पे आज क्या ट्रेड बनता है कुछ, क्योंकि आप इन्फोसिस हम देख रहे हैं लार्ज कैप आईटीज, लार्ज कैप बिगीज जितने थे वो सारे रिएक्ट तो कर रहे थे, लेकिन इन्फोसिस जनरली सिर्फ अपने रिजल्ट से पहले तक ही ट्रेड बनता है, उसके बाद तो शायद उसमें एक सेलिंग आ जाती है। लेकिन आज क्या ट्रेड बनता है इन्फोसिस में, व्हाट इज दैट स्ट्रीट विल लुक फॉरवर्ड टू, चार्ज क्या कह रहे हैं इन्फोसिस के? ओवरऑल स्ट्रक्चर तो इसमें बहुत ही पॉजिटिव है। इनफैक्ट इसके जो मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं ये पॉजिटिव टर्न हो रहे हैं और कुछ इंडिकेटर्स हैं जो ऑलरेडी अपसाइड दिखा रहे हैं और ये प्राइसेस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक अच्छा ब्रेकआउट आया था इसमें 3 से 4 दिन पहले और उसमें फॉलो थ्रू बाइंग भी देखी गई है। इसका जो 100-day मूविंग एवरेज है ये 1570 के आसपास बन रहा है, तो हो सकता है ये एज अ हर्डल एक्ट करे। लेकिन जिस तरीके का हम इसमें सेटअप देख रहे हैं, जिस तरीके का हम ओवरऑल मोमेंटम देख रहे हैं, और अगर मैं इसे नास्डेक से भी कंपेयर करूं जहां पे सेंटिमेंटल रब ऑफ तो फॉर श्योर आ ही रहा है, तो वो भी एक पॉजिटिव साइन के तौर पे एक्ट करेगा। एक चीज मैं और ऐड करता हूं, पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि जब मार्केट्स ऊपर थे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर उसमें आईटी इंडेक्स था 6.97% के इंक्रीज के साथ। इस बार भी अगर हम थर्सडे टू थर्सडे कंपेयर करें तो करीब 5.5% का एक अपमूव आया है इन दी आईटी सेक्टर। आई कुड बी ऑफ बाय 0.5% और सो, लेकिन इस बार भी जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर है इज दी आईटी सेक्टर। तो इट मे बी टू अर्ली टू से दैट द टाइड हैज टर्न्ड, बट फॉर श्योर एक बाउट तो हम देख ही रहे हैं। दिस इज ऑलवेज लेड बाय दी बिग स्टॉक्स। इन्फोसिस में आप इमीडिएट बेसिस पे भी बाय कर सकते हैं, यहाँ पे 1500 का आपका स्टॉप लॉस लेके चलिए और 1570 1580 के जो जोन्स हैं ये आपके लिए एज अ इंट्राडे और एज एन इमीडिएट ट्रेडिंग टारगेट एक्ट करेगा। पोजिशनली 100 पॉइंट्स फ्रॉम हियर 1630 के जोन्स भी आप देख सकते हैं। हो गया इन्फोसिस पे। एक हमने अभी तक रिलायंस और इन्फोसिस के रिजल्ट डिस्कस कर लिए हैं। अमीश से आईसीआईसीआई बैंक जरूरी है डिस्कस करना। आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा आउट परफॉर्म भी कर रहा है। डेटा साहब, आईसीआईसीआई बैंक का आप चार्ट दिखाइए लास्ट 1 वीक, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है बैंक निफ्टी को 36,000 तक ले जाने के लिए। एक हफ्ता ये देखिए 35 रुपये चला है एक हफ्ते में, और एक महीना 3 महीने में देखिए थोड़ा आउट परफॉर्मिंग स्ट्रीक है इसके अंदर। तो क्लियरली जब रिजल्ट्स में जा रहा है तो 15% 100 रुपये चला है इस सीरीज़ में, कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट्स की प्राइसिंग भी होती हुई नजर आ रही है। एक बार अमीश से समझते हैं आईसीआईसीआई बैंक पे क्या व्यू बन रहा है, जिस हिसाब से इन्हें लास्ट कुछ क्वार्टर्स दिए हैं, जिस तरह से कमेंट्री दी है। अमीश आप बताएं आईसीआईसीआई बैंक के अर्निंग्स के एक्सपेक्टेशन क्या है, इस बैंक से ओवरऑल बाजार की पोजीशनिंग क्या है? देखिए आईसीआईसीआई बैंक हमारा टॉपिक है बैंकिंग स्पेस के अंदर। पिछले कुछ क्वार्टर से नंबर अच्छे आ रहे हैं और जिस टाइप का एनवायरनमेंट है कि आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो आपका एसेट रीप्राइसिंग फास्टर होता है लायबिलिटी रीप्राइसिंग से, तो उसके कारण इनके मार्जिन्स बढ़ेंगे, क्रेडिट ग्रोथ भी बेटर है। और आईसीआईसीआई ये क्वार्टर नहीं 3-4 क्वार्टर से अच्छे नंबर दे रहा है। सेकंड इसमें टेक्निकल फैक्टर ये है कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की मर्जर अनाउंसमेंट के बाद तो थोड़े टाइम तक जो है एचडीएफसी बैंक जो है वो साइडवेज रहेगा, तो उसके कारण आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक की तरफ और भी रुझान बढ़ने का चांस है। थर्ड ये है कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का दोनों का मिला के निफ्टी में वेटेज जो है और इंडिसेस में वो काफ़ी ज़्यादा है, शायद उतना वेटेज मर्जर के बाद बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस नहीं रखेंगे बेंचमार्क के हिसाब से। सो उसके हिसाब से आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक जो है आई थिंक अगले 6 से 12 महीने में बैंकिंग के अंदर आउट परफॉर्म करना चाहिए। चेक ले लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक पे। गौरव सर, गौरव 786 ये तो काफी मुबारक नंबर भी मानते हैं कुछ लोग इसको, इस समय क्लोज किया हुआ है।